नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनेश न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शिक्षक की हवस का शिकार बनी किशोरी, एक माह से कर रहा था शोषण। मानकापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज। कर चुकाने के लिए फोड़ा एटीएम, सूत्रधार सहित चार आरोपी गिरफ्तार। हाईकोर्ट में उठेगा अवनी बागिन की हत्या का मुद्दा। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। बच्चों को अरबी भाषा सिखाने वाला युवक द्वारा एक नाबालिग से बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी शफीक खान उर्फ मौलाना हाफिज को मानकापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़िता 17 वर्षीय किशोरी मानकापुर थाने के तहत रहती है। उसके पिता घर में रहते हैं, जबकि माँ और दो भाई मजदूरी करते हैं। आरोपी रफीक खान से किशोरी के परिवार की पुरानी पहचान है। रफीक बच्चों को अरबी पढ़ाता है। उसकी किशोरी के छोटे भाई से पहचान है और किशोरी के परिजनों को राशन देता था। इसी वजह से किशोरी के परिजन उसे सम्मान देते थे। रफीक ने किशोरी को शादी का झांसा दिया। वहां से 6 मार्च 2021 को किशोरी से चोरी छिपे सगाई कर रहा था। इसका पता चलने पर बाल संरक्षण अधिकारी ने दबिश देकर सगाई रुकवा दी। इसके बाद किशोरी को काटोल मार्ग महिला सुधार गृह में रखा गया था। 20 दिन सुधार गृह में बीतने के बाद माता पिता किशोरी को सुधार गृह से घर ले आए। 13 अप्रैल को रफीक ने किशोरी को अपने घर पर बुलाया, उसे टच स्क्रीन मोबाइल गिफ्ट देते हुए प्रेम करने का झांसा दिया। एक साल बाद शादी होने का बताते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पारिवारिक संबंध होने से किशोरी रफीक के लिए घर से भोजन या टिफिन ले जाती थी, तभी रफीक उससे बलात्कार करता था। परिजनों को पता चलने पर मानकापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने बलात्कार, मारपीट, धमकाने और पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया। दूसरी खबर, लॉकडाउन की वजह से तंगी का सामना कर रहे युवक ने साथियों की मदद से एटीएम मशीन तोड़कर नकदी उड़ाने का प्रयास किया। बेलतरुड़ी पुलिस ने इस वारदात में लिप्त चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6,80,000 रुपए और कार तथा दो पहिया वाहन बरामद किया है। इनमें अभिजीत सुरेश सुरुशे, कल्पेश विष्णु रंगारी, कुंजीलाल पेठ, पिंटू सुखराम हेमने, शिवाजी नगर निवासी है तथा एक नाबालिग भी शामिल है। सीसीटीवी से पुलिस को चार आरोपियों के कार में आने का पता चला। कार के नंबर के आधार पर पुलिस अभिजीत के पास पहुंची। अभिजीत ने कर्ज लेकर कार खरीद कर टैक्सी सेवा में लगाई थी। लॉकडाउन में उसका कारोबार ठप होने से कर्ज की किस्त अदा नहीं कर पा रहा था। तीसरी खबर, वर्ष 2018 के बहुचर्चित अवनी बाघिन को गोली मारने का मुद्दा एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में गूंजेगा। बुधवार को न्यायमूर्ति अनिल शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल किल्लोर की खंडपीठ ने वन्य जीव प्रेमी संगीता डोगरा की इस अर्जी को स्वीकार किया है, जिसमें अर्जदार ने अवनी की समाप्ति के दौरान तय प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता डॉक्टर जेरिल बनाइट की जनहित याचिका में डोगरा को बतौर मध्यस्थी अर्जदार जुड़ने को अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में वन विभाग, राज्य और केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में उत्तर प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 से 2018 में यवतमाल के पांडरकवड़ा में कथित रूप से अवनी बाघिन ने 13 लोगों का शिकार किया था। वन विभाग द्वारा उसे पकड़कर कैद करने की कई कोशिशें विफल रही। इसके बाद वन विभाग ने उसे गोली मारने का आदेश जारी किया था। उस वक्त वन जीव प्रेमियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके वन विभाग के इस आदेश को चुनौती दी थी। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS News Live। नमस्कार।